बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स। आज हम आपकी ग्रेड 10 की केमिस्ट्री की बुक से अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम स्टडी किया था, द पोजीशन विच इज सेट टू बी इन रेस्ट पोजीशन, द बॉडी विच इज सेट टू बी इन रेस्ट पोजीशन इज नॉन एज इक्विलिब्रियम। सो हम ये पढ़ चुके थे, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच वी विल कंसिडर और स्टडी आर इक्विलिब्रियम इन डेप्थ। सो At first, we will study a static equilibrium. So the first part is static equilibrium. So what is static equilibrium? The static equilibrium is a part or is a type of equilibrium in which different phases of equilibrium remain the state of rest. इसमें क्या होता है? इसमें हर चीज जो होती है एक ही तरह रेस्ट पोजीशन पे होती है, कैन नॉट बी चेंज इट्स पोजीशन। स्टेटेड इक्विलिब्रियम कौन सी पोजीशन है जिसमें कोई भी चेंजेस कभी आ ही नहीं सकती, ओके। सो फॉर एग्जांपल इन अ केस ऑफ फेलक्रम एंड फाना इन अ प्लेग्राउंड और अ सीसॉ, जैसे कि आप प्लेग्राउंड दिख रहे हैं और सी जो समंदर साइले समंदर है इसके अंदर कोई चेंजेस आ सकती है, बिल्कुल अपनी जगह पे रेस्ट पोजीशन पे खड़ा हुआ है, सो दिस इज नॉन एज स्टेटिक इक्विलिब्रियम। स्टेटिक इक्विलिब्रियम इज अ type of equilibrium in which no changes can be occur. इसमें कोई changes occur नहीं हो सकती, and the body which is said to be in rest position or in equilibrium position. So static equilibrium is a type of that equilibrium in which the body cannot be changed. उसमें कोई भी change नहीं आ सकती. When you put a force and when you put an external gravitational force on it, it cannot be changed. उसमें कोई occurrence, कोई ऐसी हालत changes नहीं आएंगी. So that are called static equilibrium. उसके बाद next type है dynamic equilibrium. So what is dynamic equilibrium? Dynamic equilibrium is also a type of equilibrium, is a state of equilibrium in which different phases repeatedly interconvert into each other, jisme bahut sare phases change ho jate hain. Jaise ki let's suppose when you put a disturbance on any when you put a disturbance on any medium and you put a disturbance in a pencil which is kept on hang, so dynamic equilibrium can change its position. Static equilibrium कौन सा equilibrium point है जिसमें कोई changes occur हो ही नहीं सकती, but dynamic equilibrium में क्या होता है कि phases occur होते हैं जिसमें एक हालत जो रेस्ट पोजीशन है वो कन्वर्ट हो सकती है किसी और चेंजेस में। ड्यूरिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ रेट ऑफ एवापोरेशन एंड अ रेट ऑफ कंसेंट्रेशन रिमेन इक्वल, दैट वी से दैट इन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम वो है ऐसी इक्विलिब्रियम की क्या कहते हैं टाइप है जिसमें क्या होता है रेट ऑफ एवापोरेशन हो रही होती है। लेट सपोज आपके देखते हैं कि सी सॉ से एवापोरेट हो रहा होता है पानी, सो वो एक ही हालत में एवापोरेट हो रहा होता है, that's are called dynamic equilibrium. आपको मैं एक और example देता चलूं, so आप जब fan जो आपका roof के साथ hang हो रहा है, छत के साथ hang हो रहा है, वो क्या है equilibrium position पे, लेकिन वो dynamic equilibrium की एक branch है। क्यों? क्योंकि जब हम fan को चला देते हैं वो अपनी एक main जगह पे घूमता है, देखिए revolve तो वो हो रहा है, अपनी जगह से हिल तो रहा है लेकिन एक same position पे हिल रहा है, so that's our example of dynamic equilibrium. Static equilibrium वो branch है जिसमें बिल्कुल भी कोई changes नहीं occur हो सकती, जैसे कि आप देख रहे हैं जमीन बिल्कुल भी जगह से नहीं हिल सकती, लेकिन dynamic equilibrium में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में चेंजेस अक्कर होती हैं, जैसे कि गाड़ी चल रही है लेकिन उसके अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, अ कार इज रनिंग ऑन अ रोड बट द पीपल आर सिटिंग ऑन अ ऑन अ सीट्स ऑफ अ कार, सो दे आर ऑल्सो इन रेस्ट पोजिशन, सो दे कैन ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम पोजिशन, बट द कार इज रनिंग, सो दैट्स पोजिशन इज दैट्स टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिकॉज उसके चेंजेस तो अक्कर हो रही है लेकिन स्टेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी चेंजेस अक्कर नहीं होती। सो ये आपके टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। उम्मीद है आपको इसे समझ आया होगा। अब तक की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।